दो बौद्ध भिक्षुक, जिसमें कि एक कुछ बूढ़ा था व दूसरा जवान, दोनों गांव से भिक्षा मांगकर शाम के समय अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे। आश्रम से कुछ पहले ही पहाड़ी में से एक नदी बहती थी। शाम का समय था, एक जवान स्त्री उस नदी के किनारे खड़ी थी। उसे भी नदी पार करना था, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि वो नदी की गहराई से अनजान थी। बूढ़ा भिक्षुक आगे आगे चल रहा था। वह उस युवा लड़की को देखकर यह समझ गया कि उसे नदी पार करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े भिक्षु का मन हुआ कि उसे हाथ से सहारा देकर नदी पार करा दें, लेकिन स्त्री को सहारा देने के ख्याल मात्र से ही उसके अंदर वर्षों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई। स्त्री के हाथ को छूने की कल्पना मात्र से उसकी नस नस में, रग रग में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्षों से किसी स्त्री को नहीं छुआ था और अभी छूने के ख्याल मात्र से ही सारे प्राण कांपने लगे। एक तरह के बुखार ने उसके सारे व्यक्तित्व को घेर लिया है। उसने एक गहरी सांस ली व अपने मन को समझाया, ये कैसी गंदी बात सोच ली, कैसी पाप की बात सोच ली। मुझे क्या मतलब, कोई नदी पार हो या ना हो, उसके लिए मैं अपना जीवन, अपनी साधना क्यों बिगाड़ूं? इतनी कीमती साधना, 30 वर्षों की साधना इस लड़की पे लगा दूं? हरगिज नहीं। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह जवान स्त्री तो आंख बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, या ये कहो कि और भी ज़्यादा आकर्षक दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मन जाग गया था, सोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद किए हुए ही वो लड़की के बगल से होता हुआ नदी में उतर गया। अब ये बात आपको पता ही होगी कि जिस चीज़ से आंखें बंद कर ली जाएं, वो असलियत में उतनी सुंदर कभी नहीं होगी जितनी आंख बंद करने या उससे ज़बरदस्ती मुंह फेरने पर वो लगने लगती है। उसने आंख बंद की और वो स्त्री उसके लिए अप्सरा हो गई। दरअसल सारी अप्सराएं ऐसे ही पैदा होती हैं, बंद आंखों से। दुनिया में सिर्फ स्त्रियां हैं, लेकिन आंख बंद करने व जबरदस्ती खुद को स्त्रियों से दूर करने की कोशिश में वो हमें अप्सराएं लगने लगती हैं। आंख बंद करते ही सपना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस भिक्षुक ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए अब मन में वो उस स्त्री को ही देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था, वो स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका मन कहता है कि ये तो गलत बात है कि किसी मुसीबत में फंसी स्त्री की सहायता ना करो, लेकिन तुरंत ही उसका दूसरा मन कहता है कि ये सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने के तरीके खोज रहे हो, ये सहायता नहीं बल्कि तुम उसे छूना चाहते हो, साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, जबकि तुरंत ही उसका दूसरा हिस्सा उसे उस लड़की से दूर जाने की सलाह देता है। उस बेचारी लड़की को जो कि वहाँ पर खड़ी है, उसे कुछ नहीं पता कि उसकी वजह से उस साधु के मन में क्या द्वंद्व उत्पन्न हो गया है, क्या भेदभाव चल रहा है उसके दिमाग में। वो तो बस वहाँ खड़ी है किसी के इंतजार में जो कि उसे सहायता देकर नदी पार करा दे। इसी उधेड़बुन व अशांत दिमाग के साथ वो नदी पार करता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका साथी तो पीछे रह गया। कहीं उस जवान औरत पर दया खाकर उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल ना कर दे, इसलिए उससे पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ। यह सोचकर वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वो देखता है कि भूल हो चुकी है। वो जवान भिक्षुक उस औरत को कंधे पर लिए नदी पार करा रहा था। यह देखकर उस बूढ़े साधु के अंदर आग लग गई, ना जाने कैसा कैसा मन होने लगा। कई बार उसके दिमाग में आया कि कितना अच्छा होता यदि मैं ही उसे नदी पार करा देता, लेकिन अगले ही पल उसने खुद के मन को डांटा, ये क्या पागलपन की बात है, मैं और उस औरत को अपने कंधे पर लूँ, 30 साल की साधना नष्ट करूँ क्या? गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, और मैं उसे अपने कंधे पर लूँगा, नरक का द्वार है स्त्री। लेकिन दूसरी ही ओर उस युवा भिक्षुक के कंधे पर स्त्री को देखकर बूढ़ा भिक्षुक आग बबूला हुआ जा रहा था। उसने सोचा, आज जाकर गुरु को कहूंगा कि ये युवा सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वो युवा भिक्षुक उस औरत को नदी की दूसरी ओर अपने कंधे से नीचे उतारता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वो दोनों चलते रहते हैं, लेकिन बूढ़ा भिक्षुक रास्ते में कुछ बात नहीं करता। जब वो आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे थे, तब बूढ़े भिक्षुक ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, याद रखना, मैं चलकर गुरु को कहूंगा कि तुम पतित और अपवित्र हो चुके हो, तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? जवान भिक्षुक एकदम से चौंका, उसने कहा, स्त्री? उसे मैंने उठाया था और नदी पार छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं। आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, लेकिन आप अभी भी अपने दिमाग में उसे ढो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लिप्त हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन में। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में हम उन पुरानी बातों व चीज़ों को ढोते रहते हैं जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है, और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम पुराने मानसिक बोझ को अपने साथ ढो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सब ने एक संप्रेषण की धारा में खुद को जोड़ रखा है।
हम सब अपने आप को दबा रहे हैं। वो दबाया हुआ घाव हो जाता है और वो घाव पीड़ा देता है। उस घाव की वजह से हमें बाहर वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। सारा संसार एक दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा, लंबी यात्रा हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के स्रोतों को विष से भर दिया है। जीवन के सारे सूत्र विकृत और कुरूप हो गए हैं। इसलिए ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दमन से बचना। अगर जीवन को और सत्य को जानना है तो दमन से बचना, क्योंकि दमन करने वाला इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता। वो वहीं रुक जाता है जहाँ दमन करता है। उसको वहीं ठहरना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी ध्यान हटा कि दमन उखड़ जाएगा और जिसको दबाया था वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक आदमी की छाती पर सवार हो गए हैं तो फिर आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसे जैसे ही छोड़ेंगे वो आप पर हमला कर देगा। अगर किसी आदमी की छाती पर आप सवार हो गए हैं तो समझ लेना कि जितना आपने उसे दबाया है उससे भी ज़्यादा आप उससे दब गए हैं, क्योंकि आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते। मनुष्य जिन चीज़ों को दबा लेता है उन्हीं के साथ बंध जाता है। वो उनको छोड़कर हट नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। इसलिए खुद के विचारों व भावनाओं को जबरदस्ती दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि भावनाएं दबाकर आप दूसरों के सामने दिखावा तो कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर एक बवंडर, एक कलह उत्पन्न हो जाएगी और ये आपके अंदर अशांति व हीन भावना को पैदा करेगी। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान में जियो, पुरानी बातों को भूल जाओ, जैसे हो वैसे रहो। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।